बैतुल मक्दस से मुताले करारदाद के बावजूद अमेरिकी ताकतों ने इसराइल की बुनियाद रखी तो बैतुल मक्दस इसराइल का हिस्सा नहीं था। मशरकी बैतुल मक्दस का इलाका उर्दन का हिस्सा था। उस वक्त इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग में मशरकी बैतुल मक्दस पर भी कब्जा करके उसे इसराइल का हिस्सा करार दे दिया। उस वक्त पूरी दुनिया ने इसकी मुखालफत की और आज अमरीका के ऐलान को भी मुस्तरद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक्दस की तारीख की झलकियां देखिए इस रिपोर्ट में। और मुखालफीन ने FCR के खात्मे पर इत्तेफाक राय कर लिया। प्रोग्राम कैपिटल चौक में फाटा से रुकने कौमी असेंबली गाजी गुलाब जमाल, अलहाज शाजी गुल आफरीदी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नजीर मोहम्मद ने FCR के खात्मे इंतखाबात में शहबाज शरीफ नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके दरमियान कोई सियासी इख्तलाफ नहीं, पार्टी में इख्तलाफी बयान देने वालों के साथ कोई। अब्सा कोमल हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बावजूद मकबूजा बैतुल मक़द्दस से मुतालिक अमरीकी ऐलान के खिलाफ करारदाद अक़वामे ताकतों ने इसराइल की बुनियाद रखी तो बैतुल मक़द्दस इसराइल का हिस्सा नहीं था। मशरकी बैतुल मक़द्दस का इलाका उर्दन का हिस्सा था। उस वक्त इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग में मशरकी बैतुल मक़द्दस पर भी कब्जा करके उसे इसराइल का हिस्सा करार दे दिया। उस वक्त पूरी दुनिया ने इसकी मुखालफत की और आज अमरीका के ऐलान को भी मुस्तरद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़द्दस की तारीख की झलकियां देखिए इस रिपोर्ट में।